हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज बताने जा रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप शौचालय का निर्माण करना चाहते हैं और सरकार से मदद लेना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शौचालय में आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर टाइप करना है IHHL, टाइप करके इसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जो फर्स्ट में जो आ रहा है यहाँ देख सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, जस्ट न्यू अप्लीकेंट आ रहा है साइड में, देखिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यू अप्लीकेंट पे आ जाना है। यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक वेबसाइट खुल गया, यहाँ अप्लीकेशन रजिस्टर यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है आप देख लीजिए, यहाँ पर नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर ई मेल आई डी, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दे दीजिए अपना, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा है आईडी टाइप में किस टाइप का आईडी देना चाहते हैं। देखिए पैन कार्ड लिखा हुआ है, वोटर कार्ड लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट है या आधार है, चलिए जो आपके पास मौजूद हो वो दे दीजिए। चलिए हम आधार दे देते हैं। आधार के बाद यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है, मतलब आपको जो आईडी देते हैं उसका नंबर, जैसे आधार दिए तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं आधार कार्ड नंबर। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा यहाँ फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ से हमको रजिस्टर कर देना है, चलिए हम रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कैसा, अब देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज, योर IHHL अकाउंट रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुल। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे और आपको ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी डाले थे, चलिए वहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको, यहाँ से होम कर लेते हैं। होम करने के बाद अपना आईडी मिल चुका है, यहाँ पे लॉगिन आईडी जो दे रहा है, यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको मैसेज में गया होगा, वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लॉगिन आईडी आ चुका है मोबाइल नंबर पे। यहाँ पढ़िए, योर IHHL अकाउंट रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुल, योर लॉगिन आईडी इज़ BR, ये जो नंबर दिया है ये मेरा लॉगिन आईडी हो गया। चलिए हम इसको लॉगिन करके देखते हैं, लेकिन पासवर्ड नहीं मिला है, बता रहे हैं पासवर्ड कहाँ मिलेगा। लॉगिन आईडी ऑलरेडी मेरा मिल चुका है, जो SMS के द्वारा आया है मेरे मोबाइल नंबर पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड नहीं मिला है, तो पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है एप्लीकेंट गेट वन टाइम पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आएगा। टाइप करने के बाद मैं बता रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। जो लॉगिन आईडी आया है यहाँ पर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, चलिए हम ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा कोड है, जैसा है वैसा यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए हम लिख दे रहे हैं। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, जैसा है वैसा यहाँ पे लिख देना है, चलिए हम लिख रहे हैं। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, अगर स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आता है, बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा देखें इसको। देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी जो हमको मिला था, मोबाइल नंबर SMS आया था, वो लिख दिए हैं ऊपर में, और यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया। दूसरा इंटर द कोड, जो कोड था यहाँ कैप्चा कोड हम डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए सेंड वन टाइम पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड हम रिसीव करते हैं, चलिए मैं रिसीव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों पे आ गया है, चलिए हम ले लेते हैं क्या आया है, देख लेते हैं। मेरे मेल पे आ चुका है पासवर्ड और लॉगिन आईडी तो है ही ऑलरेडी, चलिए यहाँ से हम इसको होम कर लेते हैं। होम करने के बाद यहाँ से हम अभी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन करके दिखाऊँगा आपको। देखिए यहाँ पर जो लॉगिन आईडी बता रहा है, यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देना है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल दी है, जो SMS द्वारा आया था, और पासवर्ड जो वन टाइम लिए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर दिए। फिलअप के बाद यहाँ कैप्चा कोड हो गया, कैप्चा कोड के बाद यहाँ से लॉगिन कर देंगे। यहाँ जो दिख रहा है ना छोटा सा जो लिखा हुआ है, आपको दिखा दें यहाँ पे, यहाँ लॉगिन करना है, यहाँ पे मैं जूम कर देते हैं, यहाँ से लॉगिन कर देते हैं, चलिए लॉगिन कर देते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ नाम लिख चुका है, यहाँ लॉगिन आईडी जो था मेरा मिल चुका है, यहाँ पे दे रहा है करंट पासवर्ड और यहाँ फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड और इंटर कैप्चा कोड, क्यों आप चेंज कर लीजिए, जो आया था उसको आप चेंज कर लीजिए, सिक्योरिटी रीजन के लिए चेंज कर लेना चाहिए। चलिए हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं फिर आगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर आ गया है, उसके बाद लॉगिन आईडी आ गया, यहाँ पर करंट जो पासवर्ड था वो डाल दिए हैं, न्यू पासवर्ड यहाँ से क्रिएट किए हैं अपना मन का यहाँ से डाल सकते हैं जो है, तो और यहाँ कंफर्म न्यू पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे डालेंगे उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे लिख रहा है चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में जो दिए हैं वो पासवर्ड आपका सेव हो गया, देखिए सेव हो रहा है। ऑलरेडी सेव होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्म
आ गया। देखिए यहाँ फॉर्म आ गया, यहाँ के फॉर्म फिलअप करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है, आप समझ लेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में जो दे रहा है, यहाँ पे नाम आ जाता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे आधार नंबर हो गया और यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे स्टेट लिख रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वार्ड आ जाता है, वार्ड के बाद यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट नेम, यहाँ पे अप्लीकेंट नेम, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिख देना है और रेसिडेंट का एड्रेस यहाँ पे देना है यहाँ पे, और आधार नंबर लिंक है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, या जो दे रहा है ना आधार लिंक ट्रांसफ़र के लिए तो वहाँ ऑलरेडी नो पे किया हुआ है या येस, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे छोड़ दीजिए जैसे वैसे। यहाँ पे डी यू हैव ए आधार नंबर है तो यहाँ पे येस में है, चलिए मार दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है, IFC कोड आ रहा है बैंक का, IFC कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर री अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे फ़ोटो जो है 50 KB का होना चाहिए, और पासबुक का जो फ़ोटो है उसका 100 KB होना चाहिए। 100 KB के बाद यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ पे जो बॉक्स है इसको टिक मार करके यहाँ से देखिए अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उस आईडी को इन फ्यूचर कभी भी आप यहाँ पे देखिए बता रहे हैं स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ जो स्टेटस दे रहा है ना यहाँ से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ लगभग 15-20 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको फॉरवर्ड कीजिए जो दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।